दोस्तों, क्या आपने कभी नोनी फल के बारे में सुना है या इसके फायदे के बारे किसी से कभी भी कहीं सुना है? बहुत कम लोग ही शायद जानते होंगे इस फल के बारे में, लेकिन जिन्होंने जाना है या इसका रोजाना इस्तेमाल किया हो वह जरूर इसके फायदे के बारे जानते हैं और इस फल के जूस को अपने रोजाना डाइट में शामिल भी करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए नोनी के कुछ फायदे के बारे हम आज जानते हैं और यह भी जानेंगे कि इस औषधीय रूपी पौधे का जूस का सेवन हमें रोजाना कैसे लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, उसके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। नोनी दक्षिण पूर्व एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक में पाए जाने वाला छोटा सा सदाबहार पेड़ है। नोनी एक ऐसा फल है जिसकी पेड़ की पत्तियां, तना या नोनी या उसका जूस सभी का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। कहा जाता है इस फल में 150 से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पौधा समुद्र तल पर खुले तटीय क्षेत्रों में उगता है। यह समुद्र तल से 1300 फीट तक उगने वाला वन क्षेत्रों में भी पाया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में नोनी के विभिन्न नाम हैं। आयुर्वेद में नोनी को कई रोगों के इलाज के लिए फायदेमंद माना गया है। पेट की तमाम समस्याओं को ठीक करने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने और रक्त शोधक गुण भी इसमें पाए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस फल के बारे में पहली बार सुना होगा, लेकिन जब आपको नोनी के जूस के फायदे के बारे में पता चलेगा तो आप भी इसके चमत्कारी उपयोगी के बारे जान के खुश हो जाएंगे और इसे अपने डाइट लिस्ट में शामिल करना पसंद करेंगे। नोनी फल लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और बाहरी शरीर अंडाकार और ढेलेदार होता है। कच्चे फल का रंग हरा होता है और पके फल में तेज आम्लीय गंध होती है। पके फल में गूदा यानी पल्प का रंग हल्का पीला सफेद होता है और यह सुनहरे भूरे रंग के गड्ढों से ढका होता है। नोनी फल या नोनी जूस, जो कि मनुष्य के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, नोनी जूस के नियमित इस्तेमाल से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, यानी ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। विशेष रूप से इस फल के रस में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई अन्य रसायन भी होते हैं जो शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, रोजाना नोनी जूस का सेवन वजन घटाने में भी मदद करता है। नोनी जूस पीने से इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण व्यक्ति का ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है। यह शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इस तरह शरीर की फैट सेल से ऊर्जा लेता है। जमा हुई चर्बी जल जाती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे वजन कम होती है। नोनी फल का रस लीवर को जहरीले पदार्थों से बचाने में कारगर पाया गया है। अध्ययनों से पता चलता है कि नोनी जूस की हेपाटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी लीवर को विभिन्न कठोर रसायनों के संपर्क से बचाने में मदद करती है और इस तरह लीवर को नुकसान से बचाती है। नोनी जूस के नियमित सेवन से हृदय स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को बनाए रखने में नोनी का रस
मूल्यवान साबित हो सकता है। यह कोशिकाओं की दीवारों के भीतर चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाओं को आराम देकर रक्त वाहिकाओं पर पतला प्रभाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप धमनियों में रक्त का बेहतर प्रभाव होता है। नोनी जूस का यह वासोडिलेटिंग प्रभाव रक्तचाप को नियंत्रण करने में मदद करता है और स्वस्थ हृदय को बनाए रखने में सहायता करता है। नोनी जूस की उपचार शक्ति गठिया जैसी सूजन की स्थिति में राहत देती है। नोनी का पारंपरिक रूप से सर्दी, फ्लू, मधुमेह, चिंता और उच्च रक्तचाप के साथ साथ अवसाद और चिंता के लिए उपयोग किया जाता रहा है। सामोन संस्कृति में सभी पौधों के हिस्सों का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए किया जाता है और नोनी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली पौधों की दवाओं में से एक है। एक जर्मन अध्ययन में कहा गया है कि नोनी जूस सूजन को कम कर सकती है और गठिया के दर्द को भी कम कर सकती है। नोनी फल कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विरोधी भड़काऊ अणुओं का एक बड़ा स्रोत है, जो सूजन संबंधी बीमारियों की प्रगति को रोक सकता है, जिसमें सूजन आंत्र रोग भी शामिल है। अध्ययनों से पता चलता है कि नोनी जूस मधुमेह के दौरान इंसुलिन क्रिया में सुधार कर सकता है। यह रस में पोषक तत्व मधुमेह के उपचार में सहायता के लिए इंसुलिन के साथ सहक्रियात्मक रूप से कार्य करते हैं। मधुमेह वाले व्यक्ति के आहार में नोनी जूस को एक कार्यात्मक स्वास्थ्य भोजन के रूप में शामिल किया जा सकता है। कुछ प्रमाण है कि नोनी जूस वजन घटाने में मदद कर सकता है। यह जूस कई अन्य पोषक तत्व से भी भरपूर होता है। यदि आप अपने आहार से अन्य उच्च कैलोरीज वाले खाद्य पदार्थों को कम करते हैं, तो यह आपकी पोषण संबंधी जरूरतों का ध्यान रख सकता है। एक जापानी अध्ययन में कहा गया है कि नोनी जूस मस्तिष्क को संज्ञानात्मक कार्य के तनाव प्रेरित गिरावटों से बचा सकता है। नोनी जूस का तनाव, चिंता और अवसाद जैसे अन्य संबंधित मुद्दों पर चिकित्सीय प्रभाव पड़ता है। नोनी जूस विशेष रूप से विटामिन ए से भरपूर होता है और यह माना जाता है कि यह पोषक तत्व पाचन तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि नोनी में एंटीऑक्सीडेंट दृष्टि में सुधार कर सकते हैं। वे धब्बेदार पतन और मोतियाबिंद को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अपनी दृष्टि में सुधार के लिए नोनी जूस का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। दोस्तों, नोनी में कुछ यौगिक जैसे ग्लिसरॉल और ब्यूटेरिक एसिड बालों के स्वास्थ्य में भूमिका निभा सकते हैं। माना जाता है कि इस रस में फैटी एसिड बालों के रोम को मजबूत करता है और किसी भी संबंधित समस्या का इलाज करने में मदद करता है। नोनी जूस पीने से बालों की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। बालों का झड़ना हो या डैंड्रफ जैसी स्कैल्प की समस्याओं के इलाज के लिए नोनी जूस को ऊपर से भी लगाया जा सकता है। रोजाना एक ग्लास नोनी जूस का सेवन करने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है और तनाव से राहत मिलती है। यही नहीं, यह ब्रेन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट
और एंटी इंफ्लेमेटरी जैसी कई औषधीय गुण होते हैं। यह सभी चीजें मस्तिष्क क्षति पर सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। नोनी जूस इम्यूनिटी सिस्टम को स्वस्थ करता है और ट्यूमर जैसे बीमारियों से भी बचाता है। इसमें एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो स्तन कैंसर के लक्षणों को भी कम करने में मदद करता है। एंटीवायरल गुणों से भरपूर होने के कारण भी नोनी के जूस का सेवन करने से सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर का दर्द दूर हो जाता है। अगर आपको नोनी जूस के पूरे फायदे लेने हैं तो सही समय पर इसका सेवन करना जरूरी है। नोनी जूस पीने का सबसे सही समय सुबह के समय खाली पेट होता है, क्योंकि इससे उसके बाद खाना जल्दी और आसानी से पच जाता है। आप चाहे तो खाना खाने से एक घंटे पहले भी इसका सेवन कर सकते हैं। नोनी जूस को बस रात के समय में ना पिए। घर पर नोनी जूस कैसे बनाएं? यह रस तैयार करना एक सरल प्रक्रिया है। आपको एक नोनी फल, एक ब्लेंडर, एक छलनी और थोड़े नॉर्मल पानी की आवश्यकता है। सबसे पहले कच्चे फलों को कुछ दिनों के लिए आराम दे दे। जब फल नरम लगे तो इसका मतलब है कि यह उपयोग के लिए तैयार है। सुनिश्चित करें कि आप फल के पूरी तरह से सफेद होने से पहले उसका उपयोग करें। अब एक ब्लेंडर में नॉर्मल पानी डालें और उसमें यह फल डालें। यदि फल ब्लेंडर के लिए बहुत बड़ा है तो आप इसे अपने हाथों से भी कुचल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद रस को छान ले और बीज निकाल दे। रस अभी भी गाढ़ा हो सकता है, इसमें थोड़ा और पानी मिलाए ताकि यह पीने में आसान हो जाए। क्योंकि रस में एक अप्रिय स्वाद होता है, इसीलिए आप रस में कुछ फल जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। आप इसमें संतरे या नारियल का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद भी एक अच्छा विकल्प है। नोनी जूस के लिए कोई विशेष खुराक तय नहीं की गई है, लेकिन ज्यादातर इसकी प्रतिदिन 20 से 30 मिली की खुराक लेनी चाहिए। परंतु मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप इसके रोजाना सेवन लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, नोनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इन दिनों जब कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा हुआ है तो आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसके रस को जरूर पीना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है रोज सुबह 2 चम्मच इसके रस को 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लीजिए। तो दोस्तों, आपको नोनी जूस के इन सब फायदों के बारे जानकर कैसा लगा? क्या आपको लगता है अब नोनी जूस आपके डाइट लिस्ट में शामिल हो सकता है? अगर आप नोनी के कुछ और फायदे के बारे जानते हो या आप अपने खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मैं भी आपके एक्सपीरियंसेस के बारे जानना पसंद करूंगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।